कांस्टेबल को मिला प्रमोशन। 1611 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया गया है। पद पर पदोन्नत हुए जवानों की सूची जारी हुई है। सशस्त्र पुलिस पीएसी में शीघ्र पदोन्नति की जाएगी। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जवानों को बधाई दी है। तो उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबलों को धामी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। उत्तराखंड पुलिस में सेवा दे रहे 1611 कांस्टेबल को शासन ने प्रमोशन का तोहफा दिया, जिन्हें कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोट किया गया है। इन कांस्टेबल की सूची जारी कर दी गई है, जिससे पुलिस कर्मियों में खुशी की लहर है। सशस्त्र पुलिस पीएसी में शीघ्र पदोन्नत की जाएगी। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत मिलने से पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ा है। जल्द ही नागरिक पुलिस के शेष 380 पदों को शिथिलीकरण लेकर भरने का प्रयास किया जाएगा। बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को फांसी की सजा देने के लिए भगवा हिंदू सेना के द्वारा श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई। धर्मनगरी के चंद्राचार्य चौक से लेकर शंकर आश्रम तक शांति मार्च निकाला गया। यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के फॉरवर्ड नेता साध्वी प्राची सहित बड़ी संख्या में भगवा हिंदू सेना के कार्यकर्ता और कई संगठन भी मौजूद रहे। इस दौरान साध्वी प्राची ने लिव इन रिलेशन को समाज की गंदगी बताते हुए ऐसे कानून को भारत सरकार से वापस लेने की मांग की। वहीं निरंजनी अखाड़े के संत आलोक गिरी ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने के लिए लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून बनाए गए हैं, इस कानून को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। 35 टुकड़े एक बच्ची के कर दिए। मेरा दिल उस दिन से इतना विफल है कि मैं सो नहीं पा रही। मेरी नींद उड़ गई। 5 फुट 4 इंच की बच्ची के कैसे एक टुकड़ा कितने इंच का होगा, आखिर ये सोचने के लिए मैं मजबूर हूँ। और सभी धर्म के ठेकेदारों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि बेटियों को, महिलाओं को तालियां बजा बजा करके केवल नृत्य ना सिखाए, नृत्यांगना ना बनाए इनको। मेरा हाथ जोड़ करके माफी चाहती हूँ धर्म के ठेकेदारों से, इन बेटियों को वीरांगना बनाओ। बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने खेल स्टेडियम के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। बागेश्वर में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत खेल स्टेडियम खोली में प्रस्तावित किया गया है। कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम खेल